हेलो फ्रेंड्स, अंजलि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और उतने ही खाने में भी टेस्टी लगते हैं, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तिल। यहाँ पे सफ़ेद तिल ली है मैंने 250 ग्राम। इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मीडियम आँच पर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का ही भुनेंगे, नहीं तो ये खाने में कड़वे लग सकते हैं। 2-3 मिनट अच्छे से भुनने के बाद इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अभी इसी कढ़ाई में हम गुड़ का पाक बना लेंगे। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। जितना तिल लिया था उतना ही हम गुड़ लेंगे। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था जिससे कि ये अच्छे से पिघल जाए। देखिए, गुड़ अभी अच्छे से पिघलने लगा है। एक उबाला आने तक ही इसका पाक बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पाक तैयार करेंगे तो लड्डू कड़क हो सकते हैं, इसलिए एक उबाला आने तक ही इसे पिघलने रखना है। देखिए, गुड़ में उबाला आने लगा है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं भुनी हुई तिल और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे भुने हुए चना दाल। आप इसकी जगह भुनी हुई सिंगदाने भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। जब भी हम तिल और चना दाल डालें तब भी गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। हाथों पे हल्का सा तेल लगा के इसके लड्डू बना लेंगे। तो देखिए, मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। इसे सर्व कर देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और आसान तरीके से बनते हैं ये लड्डू, तो आप इसे खाइए और एंजॉय कीजिए मकर संक्रांति को। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तो आप इसे बनाएगा जरूर। मिलती हूँ एक और ऐसी नई आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।